हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से किसी के भी आधार कार्ड से पैसा कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। जो कि कोई बहुत सारे लोग दुकान खोलकर बैठे हैं कि आधार कार्ड से यहाँ पैसा निकाला जाता है और अच्छा खासा उस पर ऊपर से इनकम ले लेते हैं और अंदर से भी कंपनी भी आपको कमीशन देती है। तो वही हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे अपने दुकान में बैठा सकते हैं, आपको घर पे खोल सकते हैं आधार एटीएम, या आप अपने दुकान पर सुविधा दे सकते हैं ग्राहकों को आधार से पैसा निकालने का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताएंगे कैसे आधार से पैसा निकाला जाता है, आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दो ऐप होगा, नीचे में सीएस पे एक है और एक स्पाइस मनी है। ऐसे ही करके बहुत सारी ऐप आती है जिनको हम एईपीएस ऐप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कोई भी एक का आपको मतलब ऐप का आईडी लेना है, आईडी और पासवर्ड आपको कहीं से भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अगर आपको चाहिए मतलब आईडी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए या हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एईपीएस का आईडी कैसे मिलता है। फ्री में हम आपको दिलवा सकते हैं आईडी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो इसमें से कोई भी एक हम आपको ऐप खोल के आपको यूज करके बताते हैं कि कैसे पैसा निकलता है आधार कार्ड से। तो सीएस पे हम खोल के आपको दिखा देते हैं। सीएस पे खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होता है। सबसे पहले मैंने ऐप आपको डाउनलोड करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम आपको पैसा निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, ये खोलने के बाद से देखिए इसमें एईपीएस का नीचे में ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज के नीचे में एईपीएस का ऑप्शन है। तो सब ऐप में अलग अलग जगह होता है लेकिन एईपीएस का ऑप्शन होता है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमारे वॉलेट में 4.21 रुपया है। वॉलेट मतलब क्या होते हैं आपको हम बता दें, तो आप जो पैसा आधार कार्ड से निकालिएगा, तो जिसके आधार कार्ड से पैसा निकालिएगा उसके आधार कार्ड से पैसा निकाल के आपके वॉलेट में चला आएगा, मतलब उसके बैंक से आपके वॉलेट में उससे पैसा निकल के आपको उसे पैसा दे देना है। उसके बाद से रोज शाम को जितना पैसा आपके अकाउंट में आया मतलब वॉलेट में आया उसको आपको अपना अकाउंट में मूव करना है, मूव टू बैंक बोलते हैं उसे। उसका भी ऑप्शन इसमें होता है, अगर आपको चाहिए तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको हम बताएं कैश विड्रॉल का ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कैश विड्रॉल दिखा रहा है, बैलेंस इंक्वायरी दिखा रहा है और मिनी स्टेटमेंट दिखा रहा है। तो इसमें आपको एक हम फायदा बताएं, आप इसमें कैश विड्रॉल करिएगा तो कस्टमर से भी 10 रुपये ले सकते हैं और कंपनी भी आपको कमीशन देगी। और यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट भी किसी का निकालेंगे तो 1 रुपया कंपनी पर मिनी स्टेटमेंट आपको कमीशन देगी, बिना कोई मतलब आपका चार्ज काटे। तो इसमें फायदा ही फायदा है। तो चलिए हम कैश विड्रॉल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से पूछ रहा है जिस कस्टमर का निकलना है उसका मोबाइल नंबर बताइए। नहीं भी डाल सकते हैं लेकिन चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद से पूछ रहा है कि चूज बैंक, मतलब उनका कौन सा बैंक में खाता है। तो इसमें सारा का सारा बैंक का लिस्ट आ जाएगा, कोई भी बैंक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो ऊपर में क्लिक करके और इसमें टाइप कर सकते हैं कि कौन सा आपको बैंक चाहिए। तो चलिए हम पेटीएम बैंक इसमें टाइप कर दिए, आप कोई भी बैंक इसमें चूज कर लेंगे। सारा का सारा बैंक इंडिया का लिस्ट इसमें है। उसके बाद से नीचे में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों हम आधार नंबर डाल चुके हैं, आधार नंबर अपना नहीं डालना है, कस्टमर का डालना है। उसके बाद से नीचे में जितना अमाउंट इनका उतारना है मतलब 10 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया जितना उतारना है उतना आप उतार सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम इसमें 200 रुपया डाल देते हैं। उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 डिवाइस दिखा रहे हैं, मोरपो, स्ट्रेक और मंत्रा। जो डिवाइस आपके मतलब मोबाइल से कनेक्ट है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए मोरपो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उस जो हमारा डिवाइस है उसमें एक लाल बत्ती बरेगा और उस पे हमको उनका फिंगर रखवाना है। फिंगर रखवाने के बाद अगर वेरीफाई होगा तो ये ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएगा दोस्तों। तो हमको विड्रॉल नहीं करना है इसलिए हम आपको बताने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग किसी के भी आधार से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं उनके मर्जी से। अगर आपको आईडी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपसे संपर्क करके आपको फ्री में आईडी दिलवा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।